करती हम सब की रक्षा अपने आंचल में संभालती, करती हम सब की रक्षा अपने आंचल में संभालती, ममता में अपनी करुणा की जलधारा से यीशु के पास हमें ले जाती, यीशु के पास हमें ले जाती। पापों के इस जाल से संसार को छुड़ाने, मुक्ति दाता की प्रतिज्ञा किया था पिता ने, और मुक्ति दाता को इस संसार में लाने के लिए माध्यम बनी पवित्र मरिया। मरियम प्यारी पुत्री, हम तुम्हें मंदिर में ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। याद रखना, ईश्वर को प्रेम करने और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में कभी पीछे मत हटना। मरियम, वह हमारा ईश्वर है और हम उसकी प्रजा। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है? इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है? मैं समझ ना पाऊं, मैं समझ ना पाऊं। मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। Thank you.
प्रणाम मरियम। आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? प्रभु की माता धन्य है मेरे प्रभु की माता।